सी क्लास 10th एनसीईआरटी इन मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर अदर देन हाइपोटेनस एंड 3 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5 3 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ गिवन ट्रायंगल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, स्टेप वन क्या रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन ए बी, ड्रॉ अ लाइन ए बी, ए बी लाइन को ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ कितनी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक रे ड्रॉ करेंगे ए से, ड्रॉ रे एस ए, ड्रॉ रे एस ए, जो कि क्या बना रही है, मेकिंग एंगल 90 विथ इट, मेकिंग एंगल 90 डिग्री किससे, ए बी से, 90 डिग्री फ्रॉम विथ ए बी। ठीक है, ए बी के साथ 90 डिग्री बना रही है। सेकंड में क्या करेंगे, आर्क लेंगे रेडियस का कितनी सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर है सेकंड वाली, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एस ए एट सी, एस ए को तो ट्रेंगल ए बी सी अपना फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या रहेगा, ये तो ट्रेंगल ए बी सी अपना फॉर्म हो गया, स्टेप थ्री अपना क्या रहेगा कि एक ए एक्स ड्रॉ करेंगे अपोजिट टू, ड्रॉ ए एक्स रे, ड्रॉ रे ए एक्स, ए एक्स अपोजिट टू सी, अपोजिट टू वर्टेक्स सी। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप अपना क्या रहेगा, इसको 5 पॉइंट्स में लोकेट करेंगे क्योंकि हमें किसको कितने रेशियो में डिवाइड करना है, इसको 5:3 में, तो यहां पे कितने रेशियो कितने पॉइंट्स में लोकेट, फाइव पॉइंट्स ऑन ए एक्स, और उन लेंथ पॉइंट्स क्या क्या होंगे, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर और ए फाइव, और सबकी लेंथ एक दूसरे से इक्वल होंगी, ए वन इक्वल टू ए ए टू ए थ्री, या मैं लिख देता हूं ए वन इक्वल टू ए टू ए थ्री, ए थ्री ए फोर एंड ए फोर ए फाइव, सारी लेंथ क्या होंगी, और यहां पे ए भी एक वो भी रह गया ए ए वन और ये ए वन ए टू। ठीक है, ये हो जाएगा। अब स्टेप फाइव क्या रहेगा, मैं क्या करूंगा स्टेप फाइव में, ज्वाइन ए बी, ए थ्री बी, ए थ्री को बी से डिवाइड ज्वाइन करना है, क्यों, क्योंकि हमें 5:3 में रेशियो करना है। तो पहले थर्ड वाला पॉइंट ले लेते हैं, फिर ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ए बी, लाइन फ्रॉम नॉट ए बी, फ्रॉम ए फाइव पैरेलल टू, क्योंकि अब 5:3 का रेशियो करिए, पैरेलल टू ए थ्री बी, इंटरसेक्टिंग ए बी एट बी डैश। ठीक है, इंटरसेक्टिंग ए बी एट बी डैश। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अपना, स्टेप सिक्स, बी डैश से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, स्टेप सिक्स क्या होगा अपना, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम बी डैश पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्टिंग ए सी एट सी डैश। तो वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड ट्रेंगल हो जाएगा, ट्रेंगल ए बी डैश सी डैश फॉर्म्ड, और वही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। ये तो हो गया स्टेप बाय स्टेप लिखने वाली बात, अब कैसे फाइंड करेंगे, वो ड्रॉ कैसे करेंगे। सबसे पहले ये अपना क्या हो जाएगा, एक लेंथ ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर की हमने लेंथ ड्रॉ की, अब एक रे ली जो कि 90 डिग्री एंगल बना रही है, किससे, ए से, ये 90 डिग्री है, ये कौन सी, ऐसे। ठीक है, अब मैंने एक 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लिया और एक कट लगा दिया, कहाँ पे, यहाँ पे एक कट लगा दिया, ये कितना, ये कोई 3 सेंटीमीटर का आर्क लिया, यहाँ पे एक कट लगाया और इसको किससे ज्वाइन करा दिया, बी को सी से मैंने ज्वाइन करा दिया, तो ये अपना सी पॉइंट हो गया, तो ये अपना ट्रेंगल ए बी सी फॉर्म्ड हो गया। अब क्या करना है मुझे, अब एक लाइन ड्रॉ करनी है ए एक्स,
जो कि किसके अपोजिट है, सी के अपोजिट है। इस पर कितने पॉइंट्स लोकेट करने, ए वन ए टू, फाइव पॉइंट्स लोकेट करने, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड ए फाइव। अब मुझे क्या करना है, ए थ्री को बी से ज्वाइन करना है। ए थ्री को मैंने किससे ज्वाइन कर दिया, ये अपना क्या था, ए फाइव है, ये ए फोर है, ये ए थ्री है। ए थ्री को मैंने बी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ए फाइव से मैंने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की किसके, ए थ्री बी के, और ये इसको किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, बी डैश पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब बी डैश से भी मैंने क्या किया, एक लाइन ली जो कि पैरेलल टू कितनी थी, बी सी के पैरेलल थी, और इसको ए सी को किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, सी डैश पॉइंट, ठीक है। वही अपना क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड ट्रेंगल, तो ए बी डैश डी, ये बड़ा वाला ट्रेंगल जो होगा वही अपना रिक्वायर्ड ट्रेंगल होगा जो कि हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो स्टेप बाय स्टेप हमको हमें फॉलो करना है कि हमारा क्या आउटपुट आने वाला है। हर एक स्टेप बाय स्टेप आप ड्रॉ करोगे, आप अपना स्केल का या किसी का भी यूज करके इसको ड्रॉ कर सकते हो, एंगल 90 डिग्री बना सकते हो, प्रोटेक्टर का यूज करके या फिर डिवाइडर का यूज करके, ठीक है।